सो गाइस ये है बीकानेर में, हम आ चुके हैं। इतना स्वच्छ प्लेटफॉर्म पहली बार देखा है मेरी अपने लाइफ में। बहुत नीट एंड क्लीन है। देखो रात के 1 बजे गाइस बीकानेर में पहुँचे और अभी जा रहे हैं वहाँ से। पता नहीं 12 घंटे बाद पहुँचेंगे। 650 किलोमीटर अभी भी पेंडिंग है। मिलते हैं गाइस। तो फाइनली हम पठानकोट पहुंच चुके हैं। बहुत लंबा सफ़र 28 घंटे का, मतलब 29-30 हो ही गए होंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रिय मित्र मोहन कुमार चौरसिया। ये थी हमारी ट्रेन, बस कहाँ बोल रहा हूँ मैं। सो अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बीकानेर मिष्ठान भंडार। कुछ 100% प्योर विदेशी घी में से बनता हुआ है, पूरा स्वीट्स है और आइटम भी सब कुछ मिलता ही है। तो वो सब हम टेस्ट करेंगे, यहाँ के फेमस आइटम है, ठीक है? हम लोग उसका रेटिंग भी करेंगे, 5 में से कितने स्टार है। तो मैं तुमको दिखाता हूँ कैसा है। आइए चलो दिखा दो। बहुत ही बड़ा वाला पीस है। पठानकोट आए और लस्सी नहीं पीता, क्या पिया? हाँ ये तीसरा वाला है, इतना बड़ा ग्लास है। देखो मेरा पाम में भी नहीं आ रहा है, एकदम मजेदार मक्खनदार रैप चिक के माफिक। यही करना है अभी व्लॉग का है पे, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा है। देख सकते हो थोड़ा पानी दायक क्यों लग रहा है मेरे को, पानी जैसा आ रहा है। नीचे थोड़ा ठीक है, टेस्ट करते हैं पहले, टेस्ट करते हैं बाद में। हाथ में आ ही नहीं रहा भाई क्लास तो। कैसा है? बढ़िया जन्नत। आइए पाम में भी नहीं आ रही थी, वो बहुत ही बढ़िया वाली लस्सी थी जिसमें जो छोटे छोटे जो पोर्शन आ रहे थे ना, वो मलाई के अलग ही एक्सेंट आ रहा था। वो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि गुजरात की लस्सी और पंजाब की लस्सी फर्क कितना है। और इसका सेकंड समोसा चाट का था, 60 रुपीज़ था, बहुत ही यहाँ का फेमस है। हम इनके ऑनर के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है? सो आप कितने साल से यहाँ से हो? आप मुझे वो अभी आप 22 साल से काम कर 22 साल से यहाँ पे, ठीक है? और ये एरिया कौन सा है, एड्रेस कौन सा है और क्या? ये रेलवे रोड है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार। और हम बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं, गुजरात में भी हमारे 5-6 आउटलेट हैं और पंजाब में तो है ही है, कम से कम 150-200 आउटलेट। पंजाब पंजाब में तो जब भी रेलवे में आप ट्रैवलिंग करो तो यहाँ पे विजिट जरूर से मारना, यहाँ पे मेरे मस्त रिकमेंडेड है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया था, अच्छा लगा। और आपसे मिलकर बहुत, अरे थैंक यू। यहाँ पे कुछ बुक स्टोर भी है, पीछे की साइड देख सकते हो। ये पूरा शॉपिंग का ही है, पूरा मार्केट बोलते हैं इसे। ये रेलवे के जैसा आप बाहर निकलोगे जैसा पूरा मार्केट ही है, पूरे स्टोर पे स्टोर है। और ऐसे गर्दी नहीं है यहाँ पे, बट ऐसे संडे भी है आज तो ऐसा गर्दी होनी चाहिए, बट नहीं है, बहुत बड़ी बढ़िया बात है। और थोड़ा ज़्यादा क्या बोले, ठंडक भी है, गर्मी नहीं लग रही हम लोग को। पीछे की साइड आप देख रहे हो तो आर्मी का जो शूज़ है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सब है, कवर होती है। तो गाइस हमारे साथ जुड़ चुके हैं ध्रुवीन भाई, जो हमारे से बहुत लीडर है, 23 ईयर्स ओल्ड। और इससे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे रेलवे में वापस, प्रतीक्षा गृह इधर लिखा हुआ है, मतलब एज अ गेस्ट रूम है, तो उधर हमें स्टे करना होता है, ठीक है? फिर यहाँ पे स्टे कर रहे हैं हम लोग शांति से। फिर अभी 7:30 बजे हमें लेने आएंगे यहाँ से मनाली। आई थिंक 300 किलोमीटर्स ही है, तो पूरा नाइट हमें ट्रैवलिंग ही करना है। पूरा नाइट हमें ट्रैवलिंग करने के बाद हमें सवेरे आई थिंक 8 या 9 बजे हमें रिपोर्टिंग देना है। फॉरेस्ट है वहाँ पे, आईडी प्रूफ, वो सब फॉर्मेलिटीज़ हमने पहले से पर निपटा लिया है। तो वहाँ पे अभी पूरा एक दिन हमें आराम करने को मिलेगा, थोड़ी मोटी एक्टिविटीज़ होगी, तो लेट अस सी क्या होता है, उधर मिलते हैं फिर, ठीक है? तब तक लिए ये प्रोमो वाला वीडियो एंजॉय करो। मनाली पहुंच चुके हैं, बेस कैंप पे पहुंचे अभी अभी, बहुत थक चुके हैं, पूरा नीचे से चढ़ के आए। देखो आगे प्रेग्नेंट टाइप पहना है और पीछे भी एक बैग पड़ी है। देखो अब देखते हैं क्या कराने, आज तो कुछ ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं होगा, एक्टिविटीज कराने वाले ज़्यादा कुछ।
सो अभी नहा धो के आ चुके हैं, बहुत ही ठंडा पानी है, मतलब 3 से 5 डिग्री होगी यहाँ पे। ऐसे पानी तुम टच करोगे ना फील होगा तुम्हें क्या हो रहा है भाई, और सिर पे सिर धोना मतलब हेडेक खत्म, नहीं धो पाओगे तुम। दो तीन मिनट तक तुम्हें सिर दर्द ही होगा कम्प्लीटली। दो टीम्स बनाएंगे, एक्टिविटीज़ कराएंगे और गेम्स खिलाएंगे, और फिर कल होगा मेन अपना ट्रैकिंग। इस तरह से होता है हमारा डाइनिंग, इधर भी है और एक इधर भी है, जस्ट लाइक दिस। तो लोकल डॉग्स के तुम हेयर देखोगे बहुत बड़े हो गए, देखो देखो तुम एक हेयर। इधर पानी पीने की फैसिलिटीज है, ड्रिंकिंग वाटर। सामने की साइड ऐसे ब्रिक डाल के फ़ोन चार्जिंग कर सकते हैं, सेम हियर भी। सो ये हमारा मनाली कैंप साइट कहते हैं इसे। ये है बैकग्राउंड व्यू, बहुत ही कूल व्यू। कैसा लग रहा है कैंप में आके? मजा आ गया। मजा तो आ रहा है, बस कुछ कमी नहीं लग रही? क्या लग रहा है? तो यार अभी पहले दिन में ठंडे पानी से नहला दिया और टेंट में फाइव शेयरिंग। हाँ, एक टेंट में 5 लोग होने वाले हैं, 5 बड़े बंदे। कैसे ट्रैवलिंग में लोचा था? हाँ, अभी वो तो ड्राइवर काफी अच्छा थी इसलिए गुजर गई रात, वरना तो मारा मारे भी उतर आते। तो क्या सुरेश, ये हमारा ये कर लो पहले। तो हमारा ये टेंट है, इसमें 5 लोग सोने वाले हैं, मैंने बताया था एज इट इज। बैग्स इधर सब कुछ रखा हुआ है, शुरू होते ही खत्म हो गया। ऐसे सोने वाले, अभी देखते हैं कौन किधर कितने जगह कैप्चर कर पाएगा। मतलब दोनों साइड में सब कुछ सामान ही है, तो सामान को अभी बाहर रख देंगे क्या? बर्फीला माहौल। 10 बजे के बाद हमारा थोड़ा एक्टिविटीज वाला ट्रैकिंग टाइप, शॉर्ट ट्रैकिंग को बोल सकते हैं, वो स्टार्ट होने वाला है। क्विक टूर ट्रैकिंग, ये बॉय। सो गाइस, हमारे साथ गुलाब सर जुड़ चुके हैं, जो हमारे इधर लीडर है हमारे पूरे कैंप में, और आगे है हमारे जगदीश सर, और वो भी हमें गाइड कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं जंगल में फॉर क्या करने के लिए? नेचर के साथ बहना, वही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, साथ अपनी बॉडी को ढालना है। यस एग्जैक्टली। यहाँ पे तुम लोग को लगता होगा कि सिर्फ सर वो सब गाइड करते होंगे, नहीं, कुत्ते भी गाइड करते हैं। देखो आगे तो है, पीछे भी एक आ रहा है, बाकी तो 3-4 ऐसे ही घूमते हैं साथ में लाइक फॉर द सेफ्टी। वे तुम कहाँ चल दिए? सरज गाइड नो करे, कुतरा अपन गाइड करे से जाते ऑटोमेटिक आवी गया इमने। अच्छा ओके, दिस आर गुड पार्ट, कम ऑन। ओ वाओ, मस्त है इधर का, देखो इतना मस्त गार्डन भी है ऊपर से, देखो ग्रीनरी बहुत है यार। ये हमारे लीडर है 9-4 से, हमारा टीम के अल्फा लीडर है। हम फॉलोअर है 9-4 से, सेम ईयर हमारा नेता कैसा हो 9-4 से जैसा हो। बस हग ना देवो, 2 रुपए की पेप्सी नैन भाई, सेक्सी है जलसा नहीं माना, लाल फूल लीला फूल अय्यर भाई, सो दो ब्यूटीफुल। जैसे हम दिशा घोड़ा ना दौड़े, इतने जगह वीडियो था ना, तो हम ना करें। सो गाइस वेलकम बैक, अभी हम जाएंगे झरने स्ट्रीम बोलते हैं इधर, स्ट्रीम में कितना 25 से 20 मिनट का क्या बोलते हैं मिनट का रास्ता था बेस कैंप से। अभी देखते हैं इधर क्या है, पैर दर्द भी गया अंदर, मन तो कर अंदर घुस जाओ, घुस जाए के अंदर। अच्छा Oh!
Meanwhile. Thanks more. Yeah. Hey, I'm going to go to the man with the belt.